गुड मॉर्निंग एवरीबडी। पिछली क्लास में हम लोगों ने कस्बा क्या होता है, नगर और कस्बे में क्या अंतर है, इनकी चर्चा की थी। आज की क्लास में हम महानगर की अवधारणा, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं वो किन विशेषताओं को धारण रखते हैं, इसके अतिरिक्त सिटी और मेट्रो सिटी में क्या डिफरेंस होता है, इस मुद्दे को लेकर अपनी क्लास होगी। महानगर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सुख सुविधाओं के विस्तार का केंद्र, जहां जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होगा तथा जनसंख्या के आकार की दृष्टि से देखा जाए तो महानगर के अंदर 50 लाख से अधिक की जनसंख्या सामान्य शब्दों में मान ली जाती है। भारत में चूंकि नगरीकरण औद्योगिकरण की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, ऐसी स्थिति के अंदर छोटे छोटे नगर अब बड़े बड़े महानगरों में बदलते जा रहे हैं। इन सभी मुद्दों को हम आज की क्लास में समाहित करेंगे। नगर के विस्तृत, अधिक विकसित तथा आर्थिक रूप से उन्नत रूप को हम सामान्य अर्थ में महानगर कहते हैं। अर्थात कोई भी नगर अधिक विस्तार को प्राप्त कर जाता है, अधिक विकसित होता है और आर्थिक रूप से वहाँ उन्नति होती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि महानगर को मेट्रोपॉलिस शब्द के द्वारा संबोधित किया गया। इसे ग्रीक साहित्य में पहली बार परिभाषित किया गया था। ग्रीक सभ्यता में जब अनेक नगर राजनीतिक तथा आर्थिक कारणों से विशाल होने लगते हैं, वहाँ के नागरिकों की सुख सुविधाओं के अंदर विस्तार होने लगता है, तब वहाँ पर एक नई प्रकार की प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और इनको मेट्रोपॉलिस शब्द के द्वारा संबोधित किया गया। राजनीतिक आधार पर इन्हें इस तरह व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया जाता है कि जनसंख्या की विभिन्नताओं के बाद भी उनमें उच्च स्तर की समरूपता हो, जो राष्ट्रवाद के रूप में विकसित की जा सके। नगरीय सभ्यता के विकास में महानगर को केवल जनसंख्या के आकार के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। 1800 के अंदर अमेरिका, पश्चिमी देशों तथा भारत में किसी भी ऐसे नगर का उल्लेख नहीं मिलता जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। इस समय लंदन विश्व का सबसे बड़ा नगर था, जिसकी जनसंख्या 9.5 लाख थी, जबकि फ्रांस की राजधानी पेरिस के संदर्भ में अगर हम जनसंख्यात्मक आधार पर चर्चा करें तो वहाँ 18वीं शताब्दी के अंत तक 5 लाख की पॉपुलेशन थी। इसके बाद भी इन नगरों को महानगर मानकर इनके विकास और नियोजन के विशेष प्रयास करना प्रारंभ हुए थे। तो यहाँ विद्यार्थियों ये स्पष्ट हो चुका है कि केवल यही नहीं मानना कि महानगर के लिए कितनी जनसंख्या है या 10 लाख की जनसंख्या नगर के लिए फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। 18वीं शताब्दी के अंत तक पेरिस और लंदन के उदाहरण ये इंगित करते हैं कि वहाँ के लोगों की जीवन शैली किस रूप में है, किस रूप में ये लोग अपने आप को क्रियान्वित करते हैं, उसी आधार पर वहाँ महानगर का कंसेप्ट विकसित किया जाता है। जहाँ तक भारत की पृष्ठभूमि का प्रश्न है, या ईसा से पहले बड़े बड़े साम्राज्यों की राजधानियाँ थी, ऐसे महानगरों के रूप में विकसित हो रही थी जहाँ पर व्यापार, राजनीति व सैनिक दृष्टिकोण बड़ा महत्व रखता था। उस समय हस्तिनापुर, जिसे हम महाभारत काल में पांडवों और कौरवों के संदर्भ में समझ सकते हैं, जो वर्तमान दिल्ली का क्षेत्र है, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, काशी, मगध, उज्जैन, कन्नौज, मालवा और जयपुर राजधानियों के रूप में इतने महत्वपूर्ण नगर थे कि उन्हें विभिन्न विशेषताओं के आधार पर महानगर की श्रेणी में रखना उचित प्रतीत होता था। यदि हम मुगलकालीन शासनकाल की व्यवस्थाओं के बारे में समझें तो उस समय विभिन्न सम्राट, मुगल शासक, नवाबों के अधिकार क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े भौगोलिक क्षेत्र थे। उनकी प्रकृति सामान्य नगरों की तुलना में बहुत भिन्न रही, जैसे दिल्ली, कोलकाता, आगरा, लखनऊ, जयपुर, विजयनगर, जो उन उदाहरणों में नगर की श्रेणी में आते थे। 19वीं शताब्दी के आरंभ में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति तेजी से बढ़ने लगी और उसके परिणाम सामने आने लगे, तो निश्चित तौर पर औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, उन नगरों की जनसंख्या में तेजी से विस्तार हुआ,
जो उत्पादन और वाणिज्य के केंद्र थे, बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नगरों के परिवहन और साधनों को विकसित करने के साथ साथ नागरिक सुविधाओं का विशेष ध्यान दिया जाने लगा। इसके फलस्वरूप 19वीं शताब्दी में सबसे पहले ऐसे नगरीय सभ्यता विकसित होना आरंभ हुई जिन्हें हम महानगरीय सभ्यता और संस्कृति कह सकते हैं। धीरे धीरे सन 1900 में लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शिकागो, बर्लिन, मास्को, फिलाडेल्फिया, सेंट पीटर्सबर्ग, टोक्यो, कोलकाता, मुंबई विश्व के ऐसे प्रमुख नगर बन गए जिनकी जनसंख्या 10 लाख से 30 लाख के मध्य पहुंच गई थी। अगर इसको हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आधार पर इसकी व्याख्या करें तो सन 1930 तक विश्व के विभिन्न देशों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 127 हो गई थी जिन्हें महानगर के नाम से संबोधित किया गया। स्वतंत्रता के समय भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर थे वो केवल मुंबई, कोलकाता, मद्रास और दिल्ली थे। मद्रास यहाँ वर्तमान चेन्नई है। सामान्य रूप से इन्हीं को महानगर की श्रेणी में रखा गया था। अब प्रश्न उठता है महानगर की अवधारणा, महानगर क्या है? महानगर के अर्थ कसौटियों के प्रति विचारकों के काफी मतभेद देखने को मिलते हैं। वर्तमान युग में महानगर के साथ मेगापोलियस और ग्लोबल सिटी अर्थात विराट नगर और वैश्विक नगर के बारे में भी अवधारणा विकसित हो गई है। इनके चलते महानगर की अवधारणा अधिक ब्रह्मपूर्ण हो गई है। इसका कारण है कि महानगर तथा विराट नगर के आकार संरचना से संबंधित जो लक्षण होते हैं लगभग देखने में समान लगते हैं। इसके बाद भी महानगर के अर्थ को तीन प्रमुख दृष्टिकोणों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले बर्गेल ने किसी भी नगर के केंद्रीय महत्व के आधार पर इसे परिभाषित किया। तो यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि किस विद्वान ने केंद्रीय महत्व के आधार पर नगर को महानगर के रूप में परिभाषित किया, तो बर्गेल का यहाँ पे उदाहरण होगा। इनके अनुसार महानगर शब्द का प्रयोग एक बड़े क्षेत्र में स्थित केंद्रीय नगर को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो आकार में बड़ा होने के साथ ही अनेक नगरीय बस्तियों से घिरा होता है। यह विभिन्न नगरीय क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से एक ऐसी संयुक्तता का निर्माण करते हैं जिससे केंद्र में स्थित नगर उनके लिए आकर्षण का क्षेत्र बन जाता है। इसके साथ ही नगर का क्षेत्रफल, जनसंख्या का आकार और राजनीतिक गतिविधियां भी महानगर के मुख्य आधार होते हैं। महानगर के निर्धारण का दूसरा दृष्टिकोण जनसंख्या, आवासीय विशेषताओं तथा व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित है। इस आधार पर महानगर का तात्पर्य उस नगर से है जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक होती है तथा प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कम से कम 2000 व्यक्ति निवास करते हैं। आवासीय आधार पर महानगर की जनसंख्या तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित होती है। नगर के मध्य भाग में व्यापारी, मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, जबकि नगरों से लगे हुए भारी और खुले भाग में उच्च वर्ग के आवास स्थित होते हैं। नगर की भारी सीमाओं से लगे हुए कुछ अविकसित क्षेत्र जिन्हें हम श्रमिकों के शारीरिक श्रम के आधार पर निर्धन लोगों की बस्तियां या झुग्गी झोपड़ियां कहते हैं, ऐसे होते हैं। ऐसे नगर व्यापार और वाणिज्य का केंद्र हैं जो अपने चारों ओर के नगरों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके फलस्वरूप छोटे नगरों के आर्थिक साधनों का संचय महानगरों में होने लगता है। इस आधार पर अनेक लेखकों ने महानगर को चूषक नगर या चूसने वाले नगर के नाम से संबोधित किया है। यहाँ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, न्यू टाइप में एक क्वेश्चन आया था गत वर्ष पेपर में, चूसक नगर किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा महानगरों को, मेट्रोपोल सिटीज को चूसक नगर कहते हैं क्योंकि ये छोटे नगरों के आर्थिक साधनों का संचय स्वयं करने लगते हैं और छोटे नगर के श्रमिक, गांवों के श्रमिक वहाँ वंचना को झेलते हैं, यानी ये बड़े स्थानों पर आकर आर्थिक संसाधनों का एक विशेष प्रक्रम बनाते हैं। इस आधार पर महानगरों को
शुक सिटीज या चूसक नगर के नाम से कहा जाता है। तीसरा जो इसका दृष्टिकोण है वो प्रकार्यात्मक पक्ष से संबंधित है। इसके अनुसार अनेक नगरों के बीच स्थित महानगर वह भौगोलिक क्षेत्र है जो नंबर एक आर्थिक, नंबर दो प्रशासनिक, नंबर तीन नागरिक, नंबर चार सांस्कृतिक क्षेत्र में व्यक्तियों को अधिक से अधिक उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अधिक जनसंख्या के कारण नगर नियोजन, परिवहन के उन्नत साधन तथा सभी प्रकार की सेवाओं की उपलब्धता महानगर की मुख्य विशेषताएं बन जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण समीपवर्ती नगरों से महानगर की ओर प्रवास करने वाली श्रेणी की संख्या काफ़ी अधिक होती है। यही कारण है कि अन्य नगर की तुलना में महानगरों के विस्तार की दर काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। आर डी मैकेंजी ने एक पुस्तक लिखी है द मेट्रोपॉलिटन कम्युनिटी, पुनः स्पष्ट कर दूं, द मेट्रोपॉलिटन कम्युनिटी, उसमें क्या लिखते हैं कि महानगर वह क्षेत्र है जो नंबर एक उत्पादन, नंबर दो संचार, नंबर तीन परिवहन, नंबर चार वित्त व्यवस्था, नंबर पांच व्यापारिक और व्यावसायिक सेवाओं का केंद्र होते हैं तथा समीपवर्ती नगरों के लिए आकर्षण होने के कारण एक बड़ा आकार ग्रहण कर लेते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान युग में महानगर औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण में होने वाली वृद्धि का परिणाम है। यह वे नगर हैं जिनका कुछ अन्य नगरों पर एक केंद्रीय प्रभाव होता है। इस प्रकार जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व, नागरिक सुविधाओं, व्यापार और उत्पादन, प्रशासनिक सेवाओं तथा एक परिवर्तनशील संस्कृति के आधार पर किसी नगर को महानगर कहा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि भारत में महानगरों की क्या विशेषता होती है, उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। भारत में आज़ादी के बाद सभी जानते हैं कि जब नीति निर्माण हुआ, हमारे यहाँ पर प्रथम 1952 में आम चुनाव हुए, तो प्रत्येक सरकार के सामने चुनौती थी कि औद्योगिकीकरण व नगरीकरण की प्रक्रिया में जो वृद्धि हो रही है उससे महानगरों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। स्वतंत्रता के समय 1951 की जनगणना में यहाँ केवल मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बंगलोर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी, जबकि 1971 की जनगणना में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या 11 हो गई। 1971 और 2011 के बीच में 40 वर्षों के अंदर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या 46 हो गई। इसमें 14 नगर तो ऐसे थे जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक अधिक है। इसमें 5 नगर मुंबई, दिल्ली, बंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद थे जिनमें प्रत्येक की जनसंख्या तो 50 लाख को भी क्रॉस कर गई है। मुंबई तथा दिल्ली की जनसंख्या का यदि हम 2011 का आंकड़ा देखें तो इनकी जनसंख्या 1-1 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। जिन नगरों की संख्या 50 लाख से अधिक थी उनकी प्रकृति महानगर से ऊपर उठकर वैश्विक नगर के समान होती जा रही है। एक विशेष तथ्य यहाँ ये है कि 2011 की जनगणना में नंबर एक गुवाहाटी, नंबर दो चंडीगढ़, नंबर तीन शोलापुर, नंबर चार धारवाड़, नंबर पाँच बरेली, नंबर छः मुरादाबाद, नंबर सात मैसूर, नंबर आठ गुड़गांव, नंबर नौ अलीगढ़, नंबर दस जालंधर, ऐसे नगर पाए गए जिनमें नगरीय जनसंख्या की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के आधार पर अब तक के नगरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो चुकी है। इसका तात्पर्य है कि वर्ष 2014 तक भारत में जनसंख्या के आधार पर लगभग 56 नगरों का समावेश उन महानगरों के अंतर्गत हो सकता है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। यह आंकड़ा 2014 तक उपलब्ध है। एक अनुमानित आंकड़े के बारे में भी देखा जाए तो ऐसा माना गया है कि भारत में 2021 के समथिंग अभी जो वर्तमान समय चल रहा है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 85 के ऊपर हो चुकी है। ये कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है, अनुमानित आंकड़ा है।
महानगरों की जनसंख्यात्मक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संरचना के आधार पर इनकी प्रमुख विशेषताओं को निम्न आधार पर हम समझ सकते हैं। पहला है जनसंख्या का आकार एवं घनत्व, साइज ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अर्थात निश्चित तौर पर महानगर वे नगर हैं जो आकार में बड़े होते हैं। ये किसी भी देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में आते हैं। यह वह जनसंख्या है जो नगर के स्थानीय शासन के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और जहाँ तक जनसंख्या के घनत्व का प्रश्न है, यूरोप में महानगर का संबंध उन्हीं क्षेत्रों में माना जाता है जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या का घनत्व 2000 से अधिक होता है। भारत में जनसंख्या का अधिक होने के कारण यूरोप तथा अनेक दूसरे देशों की तुलना में विभिन्न महानगरों के जनसंख्या घनत्व 4000 से लेकर 11000 तक पहुंचा है। इससे भी महानगरों में जनसंख्या के केंद्रीकरण व इनसे उत्पन्न समस्याओं का सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। नंबर दो, अनेक नगरों के बीच केंद्रीय स्थिति। भौगोलिक रूप से अनेक नगरों के केंद्रीय हिस्सों में जो नगर बसा होता है उसमें ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है। जैसे जैसे केंद्र भाग में स्थित नगर की जनसंख्या बढ़ने लगती है, वहाँ आर्थिक साधनों का संचय बढ़ जाने से प्रतियोगी आधार पर व्यक्तियों की विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करने में उनकी क्षमता भी बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए वाराणसी एक बड़ा महानगर है जो अपने चारों ओर के प्रमुख नगरों जैसे मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर आदि से घिरा हुआ है। स्वाभाविक रूप से एक महानगर के चारों ओर स्थित दूसरे नगरों की व्यापारिक और सांस्कृतिक विशेषताएं महानगर से प्रभावित होती है और ऐसे नगरों के लोग अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महानगर के लिए उपयुक्त स्थान में देखते हैं। फलस्वरूप अन्य नगरों की तुलना में महानगर में आर्थिक भौतिक वृद्धि की दर अधिक तेजी से देखने को मिलती है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि महानगर अनेक नगरों के बीच अपनी केंद्र स्थिति रखता है। अगर मैं आपको जयपुर का उदाहरण दूं, तो जयपुर के अराउंड सर्किल में आप देखेंगे तो जयपुर के समीवर्ती क्षेत्र में दूदू, चाकसू, काणोता, बस्सी, विराटनगर, चौमू ये ऐसे उपनगर हैं जो कहीं ना कहीं जयपुर महानगर की श्रेणी में आते हैं। यानी इन सब छोटे छोटे ब्लॉक्स से मिलकर जयपुर एक महानगर के रूप में जिसकी जनसंख्या आज लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में होने को है। तीसरा पॉइंट है बहुउद्देश्यीय उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय। अर्थात महानगरों का सबसे प्रमुख लक्षण है कि वहाँ किसी विशेष उद्योग का केंद्रीकरण नहीं होता, बल्कि नगर की आवश्यकताओं से संबंधित अनेक उद्योगों के द्वारा इस तरह उत्पादन किया जाता है कि जिससे समीपवर्ती नगरों की मांग को पूरा किया जा सके। महानगर व्यापारिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। इनके चारों ओर फैले हुए छोटे नगरों के फुटकर व्यापारी महानगरों के वितरकों और थोक व्यापारियों से विभिन्न वस्तुओं को खरीदते हैं। महानगरों में जैसे जैसे पूंजी का संचय बढ़ने लगता है, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में कई अधिक लोगों को रोजगार की सुविधाएं प्राप्त होने लगती है। इस प्रकार इस प्रक्रिया के रूप में महानगरों का विस्तार होने के साथ ही सभी वर्ती नगरों पर इनके आर्थिक प्रभाव में भी वृद्धि होती रहती है। नंबर चार, परिवहन व संचार की उन्नत व्यवस्था। महानगर के भौतिक स्वरूप से संबंधित यह एक प्रमुख विशेषता है। सभी महानगर रेल लाइनों इस तरह से जुड़े होते हैं कि वहाँ के निवासी दूर दूर के स्थानों पर सरलता से आ जा सकते हैं, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं कि ट्रेन के द्वारा अप डाउन करके वहाँ काम करना और शाम को अपने घर लौट जाना। विभिन्न दिशाओं की ओर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों की व्यवस्था होती है। संचार के उन्नत साधनों के विभिन्न क्षेत्र बैंकिंग व्यापारिक सेवाओं से जुड़े होते हैं, जिसमें व्यक्ति कम से कम समय में अनेक प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त कर सके। कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संचार की उन्नयन और गुप्त प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। महानगरों में एक से दूसरे स्थान पर जाने के लिए साधारणतः 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। जनसाधारण की आवश्यकताओं को देखते हुए नगर के अंदर यातायात की ऐसी व्यवस्था विकसित की जा सकती है जिससे व्यक्ति
कम से कम व्यय करके अपने कार्य के स्थान पर पहुंचता है। महानगरों में वाहनों की अधिकता के कारण सड़कों के रख रखाव पर भी तुलनात्मक रूप से अधिक ध्यान दिया जाता है। इस पॉइंट का आप यूँ समझ सकते हैं कि महानगरों में परिवहन की व्यवस्था श्रेष्ठ होती है। जैसे आप जयपुर को उदाहरण लें तो जयपुर कोई घाट गेट से बैठेगा और उसे झोटवाड़ा जाना है, वह किसी कॉलोनी में वह निवास करता है, तो ये 18 से 20 किलोमीटर की यात्रा सिटी बस के माध्यम से करता है। तो ऐसे नगर जहाँ पे सिटी बस का कंसेप्ट हो, बाल वाहिनियाँ चलती हो, लोकल ट्रांसपोर्ट चलता हो, वो महानगर है। जबकि आप तुलनात्मक रूप से छोटे कस्बों में क्या देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रांसपोर्टिंग यूज करेंगे, स्टेशन से घर, बस स्टैंड से घर, सब्जी मंडी से घर, या 2-3 किलोमीटर का एरिया, ये महानगर कभी नहीं हो सकता। महानगर में कम से कम 15-20 किलोमीटर की यात्रा यदि वो लोकल कन्वेंस के माध्यम से पूरी करता है तो निश्चित तौर पर वो महानगर की श्रेणी में होगा। पांचवा बिंदु है राजनीति में सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र। महानगर की एक मुख्य विशेषता यह है कि राजनीतिक गतिविधियों का इस तरह से संचालन होता है कि नगर एक ऐसी संस्कृति का केंद्र बन जाता है जिसे हम राजनीतिक संस्कृति कह सकते हैं। यह वह संस्कृति है जिसमें नगर की संपूर्ण जनसंख्या एक दूसरे से भिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में विभाजित होती है तथा नगर का आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन भी राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित होने लगता है। अक्सर व्यापार वाणिज्य के विकास को सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की विचार की प्रभावित करती है। महानगर की संस्कृति की प्रकृति मिश्रित होती है, इसे सामान्य शब्दों में एक धर्मनिरपेक्ष संस्कृति कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न संस्कृतियों वाले समूह के बीच एकीकरण करने वाली अस्थायी समायोजन के द्वारा नगर के निवासियों को अपने आर्थिक हितों को प्राप्त करने के अवसर देने के रूप में होती है। नगर में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया जाता है जिससे सांस्कृतिक समरसता को प्रोत्साहन मिल सके। इस पॉइंट में आप उदाहरण समझ सकते हैं, आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा होगा जैसे फेस्टिवल होते रहते हैं, बुक फेयर लगते हैं, पुस्तक मेला, लिटरेचर फेस्टिवल जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल, तो ये जो आयोजन है ये सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र हैं। कई कई बार बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस होती हैं, सेमिनार्स होती है, वेबिनार्स होती है, ये महानगरों में ही संपन्न होती हैं। अग्रिम विशेषता के रूप में डिविजन इन सब रिलीजन, कोई भी महानगर होता है वो उप क्षेत्रों में विभाजित होता है। यहाँ महानगरों का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होने के कारण जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ नगरीय क्षेत्र का विस्तार होता रहता है और नगर अपने ही छोटे छोटे खंडों में उप क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है। उदाहरण के लिए हम जयपुर का उदाहरण लें तो घाटगेट, मालवीय नगर, वैशाली नगर, टॉक फाटक इलाका, रिद्धि सिद्धि इलाका, मानसरोवर, बैराट इलाका, कोटपुतली इलाका, शास्त्री नगर, दूदू, अजमेर हाईवे, जयपुर हाईवे, दिल्ली हाईवे, ये ब्लॉक्स हैं। यहाँ लोगों के जनसंख्या घनत्व के जमावड़े हैं, कहने को पूरा जयपुर है लेकिन वो सब डिविजन्स में बटा हुआ है। ये लोग वहाँ उच्च जीवन शैली के आधार पर निवास करते हैं, वहाँ निवासियों को आने जाने की सुविधाएँ मिलती हैं, परिवहन के संसाधन विकसित होते हैं। साधारणतः महानगर में विभिन्न उपक्षेत्रों की आर्थिक सांस्कृतिक विशेषता एक दूसरे से भले ही अलग हो लेकिन कानून और व्यवस्था के आधार पर ये सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगला बिंदु है इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, पारिस्थितिकीय विशेषीकरण। हैरिस व अलमेन नामक विद्वान ने एक किताब लिखी है नेचर ऑफ सिटीज, अर्थात नगरों का प्रकृति के संदर्भ में अध्ययन। नेचर ऑफ सिटीज में महानगरों की प्रकृति को इकोलॉजिकल बेस पर या पारिस्थितिक विशेषीकरण के आधार पर स्पष्ट किया है। उनके अनुसार महानगरों में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में विशेष योग्यता विकसित करके आजीविका के साधन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इसके फलस्वरूप संपूर्ण नगर विभिन्न व्यवसायों एवं आर्थिक स्थिति से संबंधित एक दूसरे क्षेत्रों में विकसित होने लगता है।
पारिस्थितिक विशेषताओं में इसको एक क्षेत्रीय सिद्धांत के रूप में विकसित किया गया है, जिसके केंद्र भाग में आप एक चित्र देख रहे हैं, जहां जो नंबर एक का इलाका है केंद्र में, उसके अंदर फुटकर व्यापारियों के संस्थान होते हैं, अन्य दिशाओं में थोक विक्रय के काम करने वाले क्रमांक दो वाला एरिया इसमें रहते हैं, क्रमांक तीन जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें उस क्षेत्र को स्पष्ट किया जाता है जिसमें निम्न आर्थिक क्षेत्र के लोग या श्रेणी के लोग निवास करते हैं। मध्यम वर्ग को चित्र के चार नंबर कॉलम में दिखाया गया है, जबकि पांचवें कॉलम का अर्थ है जिसमें उच्च वर्ग के व्यक्तियों के निवास स्थान होते हैं, अर्थात महानगर में पांच प्रकार से पॉपुलेशन डिवाइडेड होती है। पहला फुटकर व्यापारी, दूसरा थोक विक्रय का काम करने वाले, तीसरा क्रमांक जो है वो स्पष्ट करता है कि निम्न आर्थिक स्थिति के लोग, चार में मध्यम वर्ग के लोग और पांच में उच्च वर्ग के व्यक्तियों के निवास स्थान। आठवां बिंदु है महानगरों में मैन पावर लेबर श्रम शक्ति की व्यापकता होती है। महानगर में स्थित उद्योगों तथा व्यापार और वाणिज्य से संबंधित आर्थिक क्रियाओं के लिए बड़ी मात्रा में श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के श्रमिकों की एक पृथक जीवन प्रणाली होती है। ये लोग अपने कार्य की दशाओं और पारिश्रमिक में सुधार करने के लिए अलग अलग संगठन बनाकर नियोक्ताओं पर अपना दबाव बनाने का प्रयत्न करने लगते हैं। इसके फलस्वरूप अक्सर मालिक तथा श्रमिक वर्ग के बीच तनाव की दशाएं उत्पन्न हो जाने के कारण तरह तरह के प्रदर्शन, हड़ताल, तालाबंदी की घटनाएं सामने आती हैं। अनेक श्रमिक संगठनों को राजनीतिक दलों का सहयोग मिल जाने से जो नियुक्ता होते हैं श्रमिकों के बीच में संघर्ष की दशा उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है, और इस समस्या के समाधान के लिए महानगरों में वर्ग संरचना की समायोजन स्थापित व्यवस्था पाई जाती है। नवा बिंदु है सोशल एंड स्पिरिचुअल मोबिलिटी, सामाजिक व स्थानीय गतिशीलता। महानगर मानव अधिवास के वे क्षेत्र है जिसमें सामाजिक तथा स्थानीय गतिशीलता की एक स्थायी विशेषता होती है। इन नगरों में ऐसे निवासियों की संख्या बहुत अधिक होती है जो आर्थिक क्षेत्र में साहसी उद्यमी होते हैं। सरकार की नीतियों के संदर्भ में आर्थिक गतिविधियों का पूर्वानुमान करने की उनमें विशेष क्षमता होती है, जिसके कारण महानगर के वातावरण में एक सामान्य व्यक्ति भी उद्यमिता के आधार पर अपनी सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति को काफी ऊंचा उठा सकता है। इसी दशा को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। महानगर में गांव और छोटे नगरों से आकर बसने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त बहुत से निवासी एक महानगर से दूसरे महानगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास करते रहते हैं, जिससे वे अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें। महानगरों में प्रशासनिक तंत्र से संबंधित विभिन्न विभागों के बहुत से अधिकारियों तथा सामान्य कर्मियों का तबादला होते रहने के कारण वे समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। ये दोनों दशाएं इन नगरों में स्थानीय गतिशीलता के आधिक्य को स्पष्ट करती है। अगला बिंदु है नगरीय नियोजन तथा विकास, अर्थात अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। यह महानगरों की ऐसी विशेषता है जिसमें बिना नगरीय जीवन को व्यवस्थित बनाए रखना बहुत कठिन होता है। महानगरों की जनसंख्या वृद्धि होने के साथ साथ वह प्लानिंग करने की आवश्यकता है। नई नई खाली जमीनों पर कॉलोनियां बनाई जाती है। कॉलोनी बनाते समय ध्यान रखा जाता है कि वहां पर निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग के लोगों का विशेष रूप से एक प्रकार की सहभागिता हो। इसे जेडीए या कोई अन्य नगर निगम का संयंत्र प्लानिंग जब करता है तो कॉलोनी काटते समय इनका विशेष ध्यान रखता है। इसके अलावा मार्गों की चौड़ाई कितनी है, बच्चों को घूमने फिरने के लिए पार्क कितना बड़ा है, कोई अतिक्रमण कर रहा है तो उस पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा। जनसंख्या वृद्धि होने के साथ साथ वहाँ लोगों की बिजली पानी की सुविधाओं का विस्तार कैसे किया जाएगा, मलमूत्र के विसर्जन के लिए सीवरेज लाइन कैसे डलेंगी और कच्ची बस्तियां ना बने उसकी दशा कैसे सुधरे, इन सब की प्लानिंग नगर नियोजन के विभाग के अधिकारी करते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद
जो महानगरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि के पीछे कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं का आधार है। नगरों में रहने वाले लोग महानगरों की सुख सुविधाओं को देखकर आकर्षित होते हैं, व्यापार, शिक्षा, अन्य कार्यों के लिए वहाँ पर काम करना चाहते हैं, और जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो वहाँ इन कसौटियों को आधार मानकर नई प्रकार की व्यवस्था की जाती है। सांख्यिकी आंकड़ों के रूप में हम देख चुके हैं कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या केवल 5 थी स्वतंत्रता के समय, जो 71 में बढ़कर 11 हो गई, 2011 में 46 हो गई और अब 80-85 के मध्य है। इन जनगणना में भारत के 17 नगर तो ऐसे थे जिनकी जनसंख्या 7 लाख से अधिक मगर 10 लाख से कम थी, 5 लाख से अधिक लेकिन 7 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 28 थी। इसका तात्पर्य है कि 2011 की जनगणना के समय 5 लाख से अधिक आबादी वाले कुल नगरों की संख्या 91 थी। इससे भारत में महानगर में होने वाली वृद्धि का सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है, और एक अनुमान के अनुसार वर्तमान 2021 तक भारत में कम से कम 135 के करीब ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है और वो महानगरों की ओर विस्तार कर रही है। अब आज के लेक्चर के अंतिम पड़ाव पर हैं कि नगर और महानगर में मुख्य अंतर क्या होता है। नगर तथा महानगर के इस संपूर्ण विवेचन के बाद जनसंख्या के आकार, आर्थिक क्रियाओं, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन, प्रवास, नियोजन और विकास के आधार पर इन दोनों की प्रकृति में काफ़ी भिन्नता है। कुछ प्रमुख भिन्नताएं इस प्रकार हो सकती है। नंबर एक, नगर का तात्पर्य किसी भी ऐसे नगरीय समुदाय से है जिसकी जनसंख्या साधारणतः 50,000 से अधिक होती है। वहाँ स्थानीय शासन का कार्य नगरपालिका के द्वारा संचालित होता है। इसके अतिरिक्त नगर का संबंध किसी भी क्षेत्र से है जहाँ 75% से अधिक व्यक्ति गैर कृषि कार्य में आजीविका उपार्जित करते हैं, जबकि तुलनात्मक रूप से महानगर वो क्षेत्र है जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और विशेष दशाओं में 5 लाख से अधिक होती है और वहाँ का प्रशासन स्थानीय प्रशासन नगर निगम करता है। तो मोटा अंतर ये हो गया कि छोटे नगरों में नगर पालिका होती है और बड़े महानगरों में नगर परिषद या नगर निगम काम करता है। नंबर दो, नगर की आर्थिक क्रियाओं का स्तर सामान्य प्रकृति का होता है। विभिन्न नगरों के निवासी अपने समीवर्ती किसी महानगर के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। इसके फलस्वरूप छोटे नगरों में आर्थिक संसाधन धीरे धीरे महानगर में केंद्रित होने लगते हैं। फलस्वरूप कस्बों तथा छोटे नगरों का आर्थिक जीवन सामान्य प्रकृति का बना रहता है, जबकि तुलना के रूप में महानगर चूसक नगर के रूप में होते हैं। इनका तात्पर्य है कि महानगरों का विकास उन सामान्य नगरों की निर्भरता का परिणाम है, क्योंकि उनको पता है कि छोटे छोटे नगर के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनका वो शोषण करके, उनको चूस कर, उनके संसाधनों का उपयोग करके अपनी महानगरीय सुविधाओं में विस्तार करते हैं। नंबर तीन, महानगरों की तुलना में नगरों का सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन तुलनात्मक रूप से कम परिवर्तनशील होता है। दूसरी ओर महानगर आधुनिक संस्कृति के, फैशन के केंद्र होते हैं। आधुनिकता के लक्षण का प्रसार महानगरों से नगरों की ओर होता है, अर्थात नगरों की कल्चर सेम है मत तुलनात्मक स्थायित्व है, परिवर्तन कम होता है, जबकि महानगरों में परिवर्तनशील प्रकृति पाई जाती है। तुलनात्मक रूप से नए नवाचार महानगरों की संस्कृति का हिस्सा बन जाते हैं। कोई भी विश्व स्तर का फैशन, विश्व स्तर की कोई वेव आती है तो महानगर में उसका प्रभाव पहले होता है और उसको देख के एक नई विधा के रूप में नगर व छोटे कस्बों में वो प्रभाव डालते हैं। अगला बिंदु है, महानगरों की तुलना में नगरों का जो सामाजिक जीवन है उसमें क्षेत्र, राज्य, राष्ट्र की राजनीति का प्रभुत्व होता है। नगरों की अपेक्षा महानगरों से निर्वाचित होते हैं। इसका कारण है कि महानगर से निर्वाचित होने वाले जनप्रतिनिधियों को एक बड़े क्षेत्र से संबंधित होने के कारण उनको प्रभावपूर्ण मान लिया जाता है, अर्थात राजनीतिक आधार पर देखें तो छोटे नगर विधानसभा क्षेत्र होते हैं, नगर पालिका क्षेत्र होते हैं, पार्षद कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं,
जबकि महानगर के पार्षद भी एक छोटे मोटे एमएलए से कम नहीं होते, क्योंकि वहां की जनसंख्या ही बहुत अधिक है। आप तुलना करें बाद्यूपी के किसी एक वार्ड में 1000 मतदाता है, उसमें वो पार्षद बनता है, और जबकि नगर परिषद नगर निगम की बात करें, जयपुर का संदर्भ देखें, तो यहाँ अकेले किसी वार्ड के अंदर 40,000-45,000 की जनसंख्या होती है, जो कम से कम एक एमएलए जैसी हैसियत रखता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है राजनीतिक रूप में। पांचवा है, नगर तथा महानगर की प्रकृति इस दृष्टिकोण से भिन्न है कि एक नगर में गांवों और कस्बों से प्रवास करने वाले बसने वाले लोगों की दर उतनी नहीं होती जितनी नगरों से महानगरों की ओर प्रवास करने वालों की होती है। इस कारण महानगर का भौतिक आकर्षण नागरिक सुविधाएं होती है जो साधारणतः नगरों में उपलब्ध नहीं हो पाती। इसका मतलब यह है कि जो नगर होते हैं उसमें सामान्यतः गांव के लोग कम जाते हैं, लेकिन महानगरों में आसपास के नगर के लोग बहुत जाते हैं, क्योंकि भौतिक सुविधाओं का आकर्षण, इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिम, शिक्षा के केंद्र, सौंदर्य प्रसाधन के केंद्र, व्यक्तित्व विकास के कोर्स, वहाँ रहने का, बिजली पानी की सुविधाओं का विस्तार, छोटे छोटे बच्चों के लिए क्रैच, उद्योग की समस्या समाधान करने की व्यवस्थाएं, रोजगार के अवसर, ये ऐसे आकर्षण हैं जो नगरों से महानगरों की ओर पलायन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतिम अंतर के रूप में, नगरों की तुलना में महानगरों में नियोजन तथा विकास की प्रक्रिया अधिक तेजी से होती है, क्योंकि सरकार के द्वारा महानगरों को अधिक वित्तीय साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ अनेक उपक्रम स्थापित किए जाते हैं जो महानगरों के विकास की गति को तेज कर सके। यहाँ समझने वाली जो महत्वपूर्ण बात है वो इस आधार पर है कि नगरों के अंदर जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, ये व्यवस्थाएं आसपास के ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोगों के आधार पर निर्भर है, जबकि महानगर स्वयं अनेक उप क्षेत्रों का संग्रहण केंद्र बन जाता है, सुख सुविधाओं का वहां पर विस्तार होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह नगर और महानगर में अंतर संपन्न हुए। इस वीडियो को सुनकर आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जिन क्षेत्रों में नगर पालिका है वो नगर है, जहाँ नगर परिषद नगर निगम है वो महानगर है, जहाँ की जनसंख्या विशेष परिस्थितियों में 5 लाख से अधिक और 10 लाख का सामान्य आंकड़ा है वो महानगर है, 5 लाख से कम वाले 1,80,000-50,000 वाले जो जनसंख्या के क्षेत्र हैं वो नगरों की श्रेणी में आते हैं, और उससे कम कस्बों की श्रेणी में आते हैं। सुविधाओं के आधार पर हम देखें, राजनीतिक आधार पर हम देखें, तो महानगर उन्नत माने जाते हैं, जो कि किसी भी समाजशास्त्रीय अवधारणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोगों ने इस वीडियो को सुनकर अपनी सार्थक जानकारियां एकत्रित की होंगी। इनको आप पढ़ें, समझें, नोट्स बनाएं, और जैसे ही हमारी कॉलेज खुलेंगी इन बिंदुओं पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धैर्यपूर्वक आपने सुना उसके लिए आपको धन्यवाद।